थैंक यू थैंक यू। जो मैंने वो शॉट दिया था पंचायत वाला, बिल्कुल सीन है जिसमें कि रघु भाई हैं सबको सचिव जो गेट से बाहर जो बाहर है निकाले सर, ऑलमोस्ट उसमें सारा मेरा इंप्रोवाइज किया हुआ। मुझे और ये बड़ा खास मौका है जिस इंसान के साथ मैं बैठा हूँ, ये लम्हा ये पल अपने आप में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इन्हें आपने बड़े सारे फिल्मों में देखा है, वेब सीरीज में देखा है, शोज में देखा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सुबह है कि मेरी इनसे बातचीत होने वाली है। पंकज झा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जमशेदपुर में और हमारे इस शो पे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जमशेदपुर आना आपको कैसा लगा? एक्चुअली मुझे जमशेदपुर मेरे जहन में था जब मैं पटना में आर्ट कॉलेज में था, तो मेरा एक दोस्त भी है वो आने वाला है मिलने के लिए जी आर्ट कॉलेज में साथ में थे, तो जमशेदपुर बड़ा सुना हुआ था, एक ड्रीम सा लगता था ये जगह। फिर संयोग से यहाँ आना हुआ तो मैं बहुत कनेक्ट हुआ इस एनर्जी फील्ड से जी, क्योंकि मेरे लिए कोई शहर वो कोई नाम मैंने नहीं रखता है, उस शहर का एनर्जी कैसा है, तो जैसा एनर्जी होगा तो जाहिर सी बात है लोग भी वैसे ही होंगे। बिल्कुल। तो बड़े प्यारे मुझे ये बिहार और झारखंड का वो टिपिकल शहर नहीं लगता है, इसका अपना एक सुंदरता बड़ा ही अपनापन है इस एनर्जी फील्ड जी। और आपके पटना के दिनों की अगर हम बात करें, जिक्र हुआ, सो ये कब की बातें हैं? पटना 80-90 के दशक का है या अर्ली 90s या लेट 80-90? मुझे डेट वेट और सन और इसवी मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पटना आर्ट कॉलेज में था, हो गया कम से कम 20-22 साल से ऊपर की बात है, उससे भी ऊपर की बात है। मेरा पटना रहना मतलब कि 12 साल पहले की बात है, तो आपको वहां की कुछ चीजें ऐसे याद आती हैं, कनेक्ट करते हैं? पटना आर्ट कॉलेज तो मेरा अपने आप में वो अजूबा, म्यूजियम के पीछे मेरा कॉलेज आर्ट कॉलेज। बिल्कुल, वहां की सड़कें, घूमना फिरना, वो सारी चीजें। हाँ, वहाँ का वो अपना लिट्टी चोखा और मोकनी, वो सत्तू वाले पराठा जी, तो और वहाँ हम जब आर्ट कॉलेज में थे तो हम रात को जाते थे स्केच करने के लिए स्टेशन पे। बिल्कुल। फिर रात भर हम स्केच करते थे, उसके बाद सुबह वो हनुमान मंदिर का चाय और मठरी। वाह, फिर हॉस्टल आते। क्या बात है, यादों में लौटना भी बहुत अच्छा होता है कई बार। तो सहरसा, बिहार और फिर मुंबई, बीच का जो रास्ता निकला वो किन किन शहरों से होकर के निकला? मैं सहरसा से पटना आया आर्ट कॉलेज, उसके बाद आर्ट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद दिल्ली। बिल्कुल। दिल्ली मंडी हाउस, संजोग से मुझे एनएसडी रेपेट्री में मेरा हो गया, पता नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि एक डायरेक्टर थे एनएसडी के, उन्होंने बोला कि मैं प्ले कर रहा हूँ तो आ जाओ, तो चला गया। फिर वहाँ से विजन खुला, देखा थिएटर और नसीब भाई बहुत पसंद रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही ख़त्म हुआ रेपेट्री तो मीरा आई थी, मीरा नायक, तो फिर मीरा की फिल्म के लिए मानसून वेडिंग के लिए मीरा ने कम से कम 200-250 लोगों के बीच से मुझे सेलेक्ट किया था। क्या बात है। और मुझे कुछ नहीं पता था कि सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना, मैं जहाँ से हूँ, जो मेरा गांव है, तो मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मुझे हर समय ये लगता था कि मेरा जो गाँव है ये दुनिया में सबसे पीछे है जी, और उसके बाद ही पूरी दुनिया है, और मेरी दुनिया जो मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं नाव पे और बगीचा में और खेत और धान का खेत और मछली और चिड़िया और कबूतर और अपना छत और आसमान और शाम को मतलब चिड़ियों का झुंड, तो ये सब मेरी दुनिया रही है। बिल्कुल। तो मैंने बड़ा मिसफिट महसूस किया संसार में, और इसलिए शायद मेरे बातों में और मेरे इन चीज़ों में, और दूसरा कि मैं शहर को, मैं जिसको लोग विकास बोलते हैं, मुझे जो दिखता है वो शहर मतलब विनाश का प्रतीक है। बिल्कुल। क्योंकि शहरों में जितना डिप्रेशन है, शहरों में जितना दूरी है, शहरों में जितना लोगों के पास अपने लिए वक्त कम है, और शहरों में जितनी बीमारियां हैं, शहरों में 7-8 घंटे लोग ट्रैफिक में रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और शहरों में कोई उनका अपना नहीं होता है,
वो जो अकेलेपन का, तो मैं कैसे मान लूं कि शहर जो है वो विकास का प्रतीक है। बिल्कुल, इसलिए मैं यूथ लोगों को रोकता हूं कि आपको मुंबई जाने की, एक्टर बनने की, आपको जैसा मुंबई लग रहा है वैसा वो जगह नहीं है। और मेरे लिए सिनेमा जो है मेरे लिए एक हंसी मजाक जैसे है, धूप छांव का खेल है। बिल्कुल, तो मैं उन चीज को कैरी नहीं करता हूँ, और जो लोग कैरी करते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि एक तरह का डिजीज है, या आपको मैक, आपके मैक को, आपके अहंकार को ये बूस्ट करता है, जो ऐसी बीमारी है कि पता नहीं शायद कितने जन्म लग जाएंगे आपको उन चीजों से बाहर निकलने में। और जैसा आपके किरदारों में भी नजर आता है, शहर की बात अगर हम करें, बहुत इत्मीनान आपको पसंद है, या जैसे आजकल बहुत यूं 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 सबको सारी चीजें चाहिए? नहीं नहीं, वो यूं यूं तो आदमी, यूं यूं का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बेचैन है, आप बहुत ज्यादा परेशान है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं रहा कभी, जो मैं देखता हूँ मुझे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर इतने लोग हैं, हर आदमी के हिसाब से अगर मैं एक्ट करूँगा, ये करूँगा, फिर तो मुझे मेरा मैं का ही पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि मुझे तो कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, कुछ नहीं ऐसा है, तो फिर मुझे भीड़ का एक्टर भी नहीं बनना था। तो मुंबई में आके मुझे कभी स्ट्रगल वगैरह, स्ट्रगल जो है ना अपने यहाँ पे, स्ट्रगल को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, दुख को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, स्टेशन पे सो, हाँ ये सब, यहाँ जिसको एक्टर को सुनो सब अपना वो गाना गाते रहता है जी, दुख को, और वो एक डिजीज है, वो एक बीमारी है लोगों से सहानुभूति लेने का। आप बोल यही रहो ना कि इतने के बावजूद देखो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, दैट मीन्स कि अंदर में आप छोटे आदमी हो, जो छोटा होगा अपने अंदर वही बड़ा बनना चाहेगा, कंपेयर करेगा। तो कंपेयर का मतलब है कि आपको इलाज की जरूरत है, मानसिक बीमारी है, और अपने हिंदुस्तान में मानसिक बीमारी को लोग मान्यता नहीं देते हैं, समझते हैं, बाहर के देशों में लोग इलाज करवाते हैं जी। फिल्में बहुत सारी की हैं आपने जिनके नाम बड़े रहे हैं, अगर हम गुलाल की बात करें, या नसीरुद्दीन साहब के साथ जो आपकी फिल्म थी, मीरा नायर के साथ जो फिल्म थी, उसके बाद भी अनुराग कश्यप के साथ जो फिल्म थी, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सफर है वो लंबा है, लेकिन लोगों की जबान और आंखों में आपकी जो तस्वीर बनी है वो अब जाकर के बनी है वेब सीरीज घर घर में, जब हर सबसे पहले तो अब जैसा कुछ होता नहीं है जी, हम बोलते हैं अब जैसा कुछ नहीं होता है, एग्जिस्टेंस में समय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं साथ में एग्जाम भी दे रहा हूँ ना, जिंदगी का एग्जाम देना होता है जी। तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एक तो होता है पढ़ाई कॉलेज में स्कूलों में, वो आपको दाल रोटी के लिए आपको जॉब देता है, नौकरी देता है, आप महीना भर गुलाम की तरह काम करते हो, फिर आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से आपका खर्चा पानी चलता है, जो भी है वो भी सर्वाइवल है। तो वो एजुकेशन से आपको इतना ही मिलता है, लेकिन मैंने देखा कि मेरा जीवन का मैंने जीवन से एजुकेशन लिया है, सीखा है कि मैं क्यों हूँ, काहे हूँ, किस लिए हूँ, क्या है सिनेमा। तो मुझे बहुत ही वैसा वाला अभिनेता मुझे लगता था कि मुझे बनना है, जो भी इस तरह से मुझे बात करना नहीं आता कि लोगों से कैसे बात करूं और ऐसे मिलनसार होना चाहिए, फिर मुझे लगा जो मैं नहीं हूं वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी के टच वच में नहीं रहता हूं, और मैं कभी किसी भी डायरेक्टर को पलट के मैं कभी फ़ोन भी नहीं किया हूं। मेरा अपना पुणे में स्टूडियो है, बिल्कुल जो भी है। तो ये सब चल रहा था, फिर मुंबई आ गया, फिर आते ही राम गोपाल वर्मा ने बुलाया, फिर सुधीर मिश्रा की चमेली, फिर अनुराग, ब्लैक फ्राइडे, गुलाल, ये सब, और प्रसाद तारीफ हो रही, लेकिन डीप डाउन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे ज़िंदगी में ओशो आए, बिल्कुल, और ओशो आए, फिर ओशो को मैं पढ़ा नहीं, ओशो को मैं दिल्ली में ही रेपेट्री में एक तस्वीर मिली थी जी, फिर मेरा दूसरा दुनिया खुला, जो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, जो इतना बड़ा है जिसमें पूरी पृथ्वी पूरा सब कुछ समा सकता है। आज की तारीख में मुझे जब कोई बोलता है कि तुम बिहार के हो, तो मुझे लगता है कि मतलब आप किसी चिड़िया का पंख काट रहे हो, बिहार बोलने के नाम पे, ये बोलने के नाम पे। हम एक दूसरे को फ्रेम करना चाहते हैं कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो। तो मैं पेंटर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, पोएट भी हूँ, मेरी कविताएं हैं, पहले ख्वाब देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ माई मास्टर ओशो की वजह से हुआ, फिर वहाँ मैंने ओशो की थेरेपियाँ की जो बहुत ही आज के आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
तो वहाँ पे मिस्टिक रोज है, नो माइंड है, बाहर के लोगों से मिलना हुआ, विदेशी लोगों से मिलना हुआ जो शो के लवर्स हैं, फिर वहाँ पे विजन खुला, फिर मेरे दोस्त बने. तो अभी नाउ आई एम नॉट बिलोंग टू एनीवेयर एंड आई एम सेम टाइम आई बिलोंग एवरीवेयर. आपका जो स्टूडियो है अनलर्न विद आपके नाम के साथ है, इसके बारे में जरा बताएं. अनलर्न एक बहुत बड़े ये थे, विजनर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक सिखाते थे वो. अनलर्न तो वो नहीं, म्यूजिक सिखाते थे वो. तो उनके पास कोई आता था तो पूछते थे कि इसके पहले तुमने म्यूजिक सीखा है क्या, तो वो बोले थे हाँ मैंने सीखा है. तो बोलते फिर तुमको डबल पैसा लगेगा जी तुमको सिखाने में. तो बोला मैं तो सीख के आया. तो वो बोलते थे कि नहीं, तुम जो पहले सीखे उसको पहले मुझे भुलाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे नया सिखाना पड़ेगा. तो मेरा जो अनलर्न है ना, हम लोगों को, हम लोग बहुत ज्यादा सीख लिए हैं, ज्ञानी हो गए हैं बेवजह का. बचपन से सब तो शिक्षा ही देते रहता है ना. बिल्कुल. हमको उन लोगों ने ट्रेंड किया है जो अपनी जिंदगी में खुशी नहीं है, खुद अनट्रेंड है. उन लोगों के द्वारा हम ट्रेंड हुए हैं. तो वो जो आपका कोरापन है, उसको जो मोल्ड किया गया है, उसको जो ग्रू बनाया गया है, उसको जो तोड़ा मरोड़ा गया है, आपको जो निग्लेक्ट किया गया है, आपको जो लिमिटेड किया गया है ना, तो इसीलिए सारे इस दुनिया में इसीलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम. तो ओशो से मिलके या उनसे, मतलब उनकी थेरेपी करके, मैं आई एम लाइक दैट. एक टैरो किसी ने निकाला था मेरा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सो एक कुछ ऐसा स्कूल खोलने वाले हो. मेरे टैरो में निकला था जी, जहाँ पर क्या एक नई दिशा, नया चीज देने वाले. तो मैंने सोचा कि मैं तो नहीं खोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से तो रहना ही नहीं, तो खेल चल रहा है जी. फिर क्या हुआ कि एक भीतर से ही सवाल का जवाब आया खुद ही कि ये पूरा दुनिया ही वो स्कूल है. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये इंटरव्यू नहीं चला, ये समथिंग बातचीत चल रही है, एक नई बातचीत. नहीं तो आदमी तो अपने फिल्म गिनाने में लगा रहता है और अपने काम ये क्या है, ये क्या है. तो जो जितना काउंट करे ना, तो वो मापदंड है कि वो व्यक्ति अपने आप को उतना छोटा समझता है, इसलिए वो इन सब चीजों से बताता है. क्योंकि हर आदमी को इतना निग्लेक्ट किया गया है, हर आदमी को इतना छोटा बताया गया, तो आदमी हर समय अपना बायोडाटा लिए घूमता है कि मुझे कोई ग्रांटेड नहीं लेता जी. तो ये सब मेरे संगत में, मेरे साथ बैठ के आदमी वैसे ही अनलर्न हो जाता है. जैसे आपकी बात करें, स्केच भी आपका बहुत ज्यादा फेमस रहा है. हो सकता है उस समय हम अपने स्कूल्स में हो, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस रहा है, अलग अलग मैगजीन्स में, न्यूज पेपर्स में छपता रहा है, उसकी जर्नी जानना चाहूंगा. हाँ, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर पूछा. मैं आर्ट कॉलेज में था तो मेरे बाबूजी पैसा भेजते थे मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बाबूजी मेरे पैसा भेजते हैं. पता नहीं ये सम्मान है या क्या है, जो भी था. तो उन्होंने 2-3 महीने भेजा, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं है. तो फिर मैं पटना, मेरा स्केच बहुत बढ़िया था. बिल्कुल. तो एक बार हम नवारा टाइम्स वहीं पे था, अपना चौक का नाम बोल रहा हूँ मैं, गांधी मैदान के, हाँ, फ्रेजर रोड में, हाँ वो टर्न पे है. वो बड़ी सुंदर यादें हैं वहाँ की. तो मैं पहली बार गया, मेरा झोला होता था उसमें स्केच बुक, और ये बड़ा सिंसियर था जी. सब देखा था, तो घर में सब कुछ देखा था, बाबू जी को संघर्ष करते, ये करते, वो करते, जो भी है कि ईमानदार है और ये है. वो पता नहीं क्या था. तो मैं बैठा हुआ था, तो पेज बन रहा होता जी. तो एक वहाँ की कुछ वरिष्ठ पत्रकार थी, अपना किरण साहिन नाम भी याद है मुझे जी. तो हमारे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई साहब नीरज नाम है उनका, वो मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं वो. तो इंट्रोड्यूस करवाया कि पंकज है, आर्ट कॉलेज का है. तो संजोग से उन्होंने बोला कि पंकज मेरा एक पेज जा रहा है, तो एक लव पे कुछ कुछ स्केच बना दोगे. मैं बोला बना दो. मैंने कभी ना नहीं बोला कभी जिंदगी में जी, कि ये कर दोगे. मैं बोला हाँ कर दूंगा. तो मैंने बना दिया. तो दूसरे दिन वो छप गया, मेरा नाम भी था उधर, स्केच था बहुत अच्छा. उस स्केच का भी कहानी ये है कि जब मैं सहरसा में था तो नवहरा टाइम्स अखबार आता था. बिल्कुल. उसमें इलस्ट्रेशन छपता था, तो सुनील नीचे में लिखा रहता था, सुनील आर्टिस्ट था वहाँ का. तो मैं देखता था, मैं कहा कि यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में पेंसिल स्केच है.
तो मैं आया तो फिर नवभारत में मैं बनाने लगा, फिर तो मेरे 10-10, 20-20 छपने लगे वहाँ पे, फिर मुझे स्वाद आ गया, फिर पैसे भी आने लगे, फिर मैं हंस में जब मैं भेजा तो एक अंक हंस में छपता था रेगुलर, बिल्कुल, फिर एक अंक मेरा पूरा स्केच छपा, फिर मैं दिल्ली गया तो उनसे भी मिला था राजेंद्र यादव से, तो सब लोगों को लगता था कि पंकज बड़ा ये है। उसी तरह से जब मैं अपने शहर में सिनेमा देखने जाता था तो मैं देखता था एक्टिंग करते हुए, तो मुझे लगता था कि लोग इनके लिए इतना क्यों कर रहे हैं, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ ये सब, तो मेरे लिए वैसा रहा, मेरे लिए बड़ा ही मेरे लिए बड़ा भचकाना लगता है सिनेमा नामा और एक्टर बोलना अपने आप को, ये सब बड़े, हाँ ये सुना है मैंने, आप कहलाना नहीं पसंद करते हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं एक्टर हूँ या मैंने यहाँ एक्टिंग सीखी है और अब मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कहलाना नहीं पसंद करते हैं, जबकि आप इतना, मतलब मेरे दोस्त को मैं बोल रहा था कि हमको सर से जाना है बात करने के लिए, तो उसको कैरेक्टर ऐसा लगा कि पहले तो वो डरा कि हम जाकर के कैसे मिलेंगे, उसने पंचायत देखी है, विधायक जी वाला कैरेक्टर देखा है और निर्मल पाठक की घर वापसी देखी है, तो उसको आप इतना फाइन वर्क है हमारी नजर में, लेकिन आप खुद को नहीं कहलाना पसंद करते। वो मुझे भी पता है कि अभी जो मेरे अंदर से जो भी होगा वो उतना रियल होगा ना, बिल्कुल कुछ भी होगा वो तो रियल होगा, तो जो भीड़ के एक्टर होते हैं ना वो एक्टिंग करते हैं जी, वो एक्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मैं को मजबूत करना है कि मैं एक्टर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि भीतर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, रहता है, लोगों के नजरों में वही दिखना चाहता है जो अपनी नजरों में छोटा होता है, बिल्कुल। तभी मेरी कविताएं है ना कि आदमी से पूछता है आदमी के किधर मिलेगा आदमी, दूसरे के निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी, अपने घर वापस कब आएगा आदमी, बिल्कुल। तो मेरा मेरी जो परीक्षा है ना इस दुनिया में वो ज्यादा ही महीन वाली है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ और पंचायत अभी मेरा जो करेक्टर है वो अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं देखा कि मुझे भी नहीं पता था कि लोग इतने प्रेम दे रहे हैं, और प्रेम पहली बार जो मैंने वैसा वाला रोल किया, थोड़ा सा गुस्सा है ये, हाँ। और सब लोग इतने प्रेम से मेरे पास आ रहे हैं, उस प्रेम के निगाह इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, कुछ तो दिखता है मेरे में कितना प्यारा इंसान है ये बंदा, ऐसा कैसा कर सकता है, बिल्कुल। तो जो एक्टर कहलाना है ना वो एक बीमारी है, बिल्कुल। तो मैं बोलता अभी हूँ सेट पे कि तुम्हारे व्यक्तित्व से एक्टर मतलब होने की बदबू नहीं आनी चाहिए, और जब मैंने वो शॉट दिया था पंचायत वाला, बिल्कुल सीन है जिसमें कि रघु भाई है वो सबको सचिव जो बाहर जो बाहर निकाले सब, ऑलमोस्ट वे सारा मेरा इम्प्रोवाइज किया हुआ है, और एक लवज भी ना कोई डायरेक्टर ना कोई कोई कुछ नहीं बोलता है कि सर आपने ऐसे, वो लगता है कि चार चांद लग गया, बिल्कुल। और मैं जब वहां पे रोल कर रहा था तो आसपास के लोगों को लग रहा था कि रियल में कोई विधायक, वो देख के ही लगता है, और वो ये सब इसीलिए हुआ बिकॉज ऑफ मेरे मास्टर ओशो की जो मैंने थेरेपी के लिए ना उसके वजह से, क्योंकि मैं जब मैं सेट पे होता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं वो एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं वो हो ही जाता हूँ, वो सर से लेके पांव तक मैं वो हिप्नोसिस हो जाता, मैं वैसे ही हो गया। तो सेट शॉट के बगैर शॉट के भी लोगों को लगता है कि ये कोई विधायक ही बैठा हुआ है, एग्जैक्टली लगता है, वो व्हाइट कलर की चप्पल वैसा परिधान वैसे हाव भाव वैसे इशारे करना, वो पूरी एनर्जी होती है ना, पूरी एनर्जी, इसलिए लोगों को इतना छुआ है, और वो मैसेज भी गया है उन तमाम एक्टरों को जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, वो जिन डायरेक्टरों से डरे हुए हैं वो डायरेक्टर खुद ही डरे हुए हैं, उनके पास खुद ही तो सब डरे डरे लोग तो डरे हुए हैं, तो वो पूरा डरा डरा उनका पूरा एनर्जी होता है, तो कहाँ से एक्टिंग कर पाएंगे एग्जैक्टली, और कहाँ से जी पाएंगे। इसलिए ओशो ने दो लाइन में, किसी एक्टर ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ओशो ने दो लाइन में जवाब दिया था कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे, क्या तो यही है। और सेम चीज शेक्सपियर ने बोला कि ये पूरी दुनिया जो है स्टेज है और हम सब पात्र हैं, हम सब अपना पात्र कैरेक्टर प्ले कर, बस बात खत्म हो गई। तो जब आपको एक्टिंग में आपको जीना है तो जब आप जी रहे हो तो एक्टर कहाँ से होगा, आपने तो जी लिया ना उस फिल्म को, बिल्कुल। तो वैसा है,
और जानने आपको इतना सारा जो लोग प्यार दे रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि हम इसका अगला सीजन कब देखेंगे, विधायक जी फुलेरा में एंटर करेंगे नहीं करेंगे। अभी देखो अगर मेरे से वैसे पूछोगे तो सीजन 3 चालू है जी, जैसे मैं आ रहा हूँ ना तो वो छपना और दिखना अलग चीज होता है। अभी जैसे यहाँ फिल्म फेस्टिवल है, जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सीजन 3 चालू है, चल रहा है। अब ये सीजन 3 उसी विधायक से बात कर रहे हो अभी इंदौर बैठा हुआ विधायक मतलब मेरे लिए विधायक मतलब वो विधायक नहीं, विधायक का मतलब होता है पॉजिटिव। एग्जैक्टली, इस रियल विधायक। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है रियल पंकज झा। बिल्कुल, तो रियल विधायक, विधायक मतलब होता है वो एक पॉजिटिव मैसेज दे, पॉजिटिव उसको विधायक बोलते हैं। तो और मेरी बीइंग तो सीजन 3 चालू है। और चाचा जी पाठक जी, निर्मल पाठक की घर वापसी। हाँ, निर्मल पाठक उसके, वो मैंने देखा नहीं था पहले, मुझे लगा था बहुत सेंटिमेंटल होगा, बहुत इमोशनल होगा, मतलब सैड लगेगा, लेकिन जब एक बार देखना शुरू किया तो एक बार में पूरा खत्म। हाँ, वो पूरा पकड़ लेता है, मतलब आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। चाचा जी को देख करके लगता है यार ये आदमी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, उसका एक अपना अलग एटीट्यूड है। हाँ। मतलब सुबह से मिले नहीं चाचा जी, बहुत काम रहता है, व्यस्त रहते हैं, कैसे मिले, ये कैसे हुआ? फोन आया किसी से, पंकज जी बोल रहे हैं, तो मैं बोले कि मैं तो एक्टर ही नहीं हूँ, काम तो किए हैं। बिल्कुल, काम तो किया, मतलब काम ऐसा किए हैं कि मतलब सबको अचंभित वाला काम है, चमेली हो। अभी आजकल के लोग इस तरह से वो जेल लगा के बाल में और कोट पहन के, समझ नहीं आता एक्टर लोगों को कैसे दिखें, क्या प्रेजेंट कैसे, क्योंकि बाजार आपको तो घेर लेगा ना, क्योंकि आप तो फिर आप कब इंसान से प्रोडक्ट बन गया आपको पता भी नहीं चला। नहीं चला, बिल्कुल, क्योंकि सब बेचने के लगे हैं, आप तो जेल लगा के घूम रहे हो ना, कि आपको क्या पता क्या बिके हुए हो। एग्जैक्टली, ठीक है, पैसा लेके क्या करो, पैसा तो सबको यहाँ पे छोड़ के ही जाना है ना, कितनों का कितना भी, हाँ कमाई तो खुद को कमा के जाना है ना। एग्जैक्टली, तो फोन आया तो मैं बोले मैं तो एक्टर नहीं हूँ, तो फिर बोला अरे सर आप बॉलीवुड के, बोले मैं तो बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करता हूँ, और मुझे मजा आता है ऐसे बात करने, थ्रिल होता है मुझे, कि वो मेरा ना वो मुझे जैसे जो तलवारबाजी में मजा आता है ना, जैसे ट्रैकिंग पहाड़ पे चलने में जो एज पे रहते हैं और खाई है, तो वैसे मुझे बात करने में मुझे मुझे कुछ पुलक मिलती है, कि अपनी ही व्यक्तित्व का धज्जी उड़ाना जो है ना। एग्जैक्टली, मुझे मजा आता है, कि मैं कोई एकदम एक्टर नहीं हूँ, तो जो जो आसपास एक्टर होते हैं वो उनका भी रीडिंग हो जाता है, चूंकि वो अपने आप एक्टर मान के समझते हैं, तो उनको लगता है कि ये बंदा ऐसे कैसे, बंदा को लोग लाइक भी करता है, एक्टर भी कमाल का है, और ये बंदा बोले मैं एक्टर नहीं हूँ, फिर उनको लगता है फिर मैं कौन, फिर मैं कौन हूँ तो मेरा होना है। एग्जैक्टली, मिरर है, तो मेरा होना ही सवाल है, सब अपनी तरफ देखते हैं कि एक बंदा इतना सहज कैसे हो जाता है। एक तो आजकल फैशन भी चला हुआ है कि बहुत ग्राउंडेड सहज होने का, सहज हाँ हाँ सहज होने का फैशन चला हुआ है। पंचायत के बाद तो और भी मैं देखता हूँ, जो कबूतर लोग हैं बिल्कुल, वो कहीं खेत में बैठ के, तो वहां पे बैठ के, तो यहाँ बैठ के, समझ लो मीम्स बड़ी सारी बनती है। हाँ, ऐसे चीजों की। हाँ, उसको किस तरीके से देखते हैं हम? मुझे मजाक लगता है, मुझे बफुंदी लगता है, फिर इसे क्यों कर क्यों रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और जैसे आपके, आप खुद को क्या मानते हैं? पोइट मानते हैं, आप खुद को स्केच आर्टिस्ट बहुत बेहतरीन मानते हैं, एक्टर तो आप मानते ही नहीं है, इंसान बहुत बेहतरीन मानते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि आदमी अगर सिर्फ आदमी हो जाए, हम आदमी होने के लिए ही आए हैं। बिल्कुल। और तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं दृश्य, एक होते हैं दर्शक, और एक होते हैं दृष्टा। जिस सिनेमा हॉल में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल पर्दे पे दृश्य चल रहा है, बीच में कौन है? दर्शक। दर्शक, और जो प्रोजेक्टर जहाँ से चल रहा है ना, दृश्य दृष्टा वहां से। तो जब आप सबसे पीछे होके देखोगे ना, तो फिर आपको समझ आ, सारी क्लैरिटी नजर आ जाएगा, मजाक लगेगा, और उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते। बिल्कुल। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाला है जिसपे, जिसमें हम फिर से आपको देखेंगे? और मेरे लिए अभी यही प्रोजेक्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी कविताएं जो होती हैं वो आपके किरदारों से बहुत अलग होती है, वो ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वो बस यही है जो अपनी कविताओं और अपने शब्दों में नजर आ रहा है। सो वो ऑब्जर्व करके आप देखते हैं या लिखते हैं या उसको नरेट करते हैं? मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं चूंकि मजबूरी इसलिए मैं यूज करना पड़ता है। बड़ी प्यारी एक लाइन थी कि कौन
कहता है कि फकीर मिलते हैं मजार में, मैंने उनको सरेआम घूमते देखा है मजार में। तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ये अपना घर नहीं है जिसको हम घर सारा प्रॉब्लम भी मानते हैं, क्योंकि घर तो है भी नहीं। वो बड़ी छोटा सा उदाहरण है कि फतेहपुर सिकरी जब बना, अकबर बना जो बना जो भी है, तो फतेहपुर सिकरी जब उन्होंने बनाया तो वो फतेहपुर नाम रखा गया कि फतेह का एक नगर सिकरी। तो वहाँ के किसी सूफी फकीर से बोला कि मुझे इसके तोरण द्वार पे कुछ लिखना है, तो कुछ बताइए। मैंने तो उर्दू में अभी भी लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि इस दुनिया, ये दुनिया एक पुल के जैसा है, तो यहाँ से गुजर जाना पुल पर से, लेकिन यहाँ घर में बना जी। और वो जगह जो है वो फतेहपुर सिकरी का प्रतीक बनाया जा रहा था, वहां पे फकीर ने ये चीज लिखा, तो ये वैसा ही है। जैसे हम बहुत जगहों से गुजरते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, किसी की बातें या किसी का छाप मन में रह जाता है क्या? या जो आपके मित्र रहे हो आपके स्कूल टाइम पे, या फिर आपके स्टार्टिंग के डेज में, या अब भी जो आपके मित्र हो, सो उनकी कोई बात, उनकी छाप मन में रह जाती है, या आप चीजों से निकलते चले जाते हैं? मैं निकलते चले जाता हूँ। मैंने देखा कि मैं ब्रिज नहीं बनाता हूँ, मैं निकलते चला जाता हूँ जी। और अभी जो मेरा फेज चल रहा है ना, अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरा सभी दोस्त है मेरे। अभी मैं आपके सामने में बैठ के बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत दिन के बाद एक डिसेंट और इतना सुंदर बीइंग से, ये भी एग्जिस्टेंस का ही है। वाह, बिल्कुल। मैं तरस रहा था कि कोई बंदा तो आए जो मुझे एकदम से उस इमेज से ना देखे जी, एक इंसान और एक जिंदा आदमी भी तो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी तो सब दुकानें हैं ना। एक और फिल्म जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा, आई गेस पहली मैथिली फिल्म है, अवार्ड विनिंग है, मिथिला मखान, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ और ये आपको मिली या आपके दिमाग में ख्याल है कि ऐसी कोई फिल्म बननी चाहिए? देखो, मैं जब आया मुंबई तो राम गोपाल वर्मा के दीवार पे सारे एक्टर लोग लटके रहते थे जी। बहुत बड़ा, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने सेंध मारी ना पूरे इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली, वो बहुत एक दीवार था कि सारे वैसे ही ग्लॉसी लोग भी रह सकते हैं। तो मैं वहाँ भी क्या बोले, लाइन में तो ना लगेंगे भैया। हाँ, तो हम फोटो डाल के, पहला कॉल वहीं से आया था मुझे राम गोपाल वर्मा के यहाँ से, कंपनी। हाँ, कंपनी के जी। तो मैं कभी कुछ जो है, तो एक लड़का है जो उसका डायरेक्टर है, तो उसने वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि एक भैया आपके साथ एक दिन बोला कि मैथिली फिल्म में, तो काम वाम करता ही था। तो मैं कभी देखता है, मैं कभी ओरिजिनल, और मैं सोचा था कि मुझे कई बार भोजपुरी में बोले मैं अपना चाय का दुकान खोलूंगा, पंकज झाटी स्टॉल कुल्लर वाले चाय मिल गया, लेकिन भोजपुरी फिल्म से नहीं करूँगा। मतलब वो है मेरे, और मेरा वैसा था, मेरी बीइंग वैसी रही, इसलिए मुझे क्वालिटी लोगों से ही मिलना हुआ, मीरा से मिलना हुआ, बिल्कुल रामू से, अनुराग से, अब देखो ना मतलब सिनेमा के स्टैंडर्ड ही है, तो इसीलिए जो वैसा बना मिथिला मखाना तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि ऐसे काम से, तो मैं तो मैथिली में बोलेंगे, मैथिली करते हैं, मैथिली बोला करेक्टर है। तो उसका फिर घर पे आता लास्ट सीन, वो पूरा एक्चुअली यहाँ डायरेक्टर से भी पोल्यूटेड है ना, और सिनेमा का। फिर बाद में मुझे मैं ये भी लगा, और वो फिल्म मिला, फिर फिल्म बनी, फिर मैं गया, फिर मैं सोचा मेरी माँ मैथिली में बात करती है तो मैथिली फिल्म कर लेते हैं जी। वो फिल्म गए दरभंगा, फिर पता लगा मैथिली, मुझे लगा बोल पाएंगे भी नहीं, फिर लेकिन जाते ही वो जेल हो गया, मैं हो गया। फिर अवार्ड तो पहले इन लोगों को बोला कि अवार्ड मिल गया, फिर बोला आपकी वजह से ही मिला है। फिर धीरे धीरे वो बाजार में सब विलीन हो जाते हैं जी। तो मुझे जो क्रिएटिव उस तरह के होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ में काम करने में मजा आता है। मजा से मुझे ये मेरे दिमाग में आई बात, आपको इन्फ्लुएंस किसका लगता है? डायरेक्टर का लगता है, किसी एक फिल्म की अगर बात करें या प्रोजेक्ट की बात करें, डायरेक्टर का लगता है, प्रोड्यूसर का लगता है, या आसपास के कलाकारों का लगता है, और आपको क्या करने में मजा आता है? इन्फ्लुएंस मैं कभी किसी से नहीं हुआ। नसीर भाई अच्छे लगते थे, उनका तेवर अच्छा लगता था, कनेक्ट होते हैं ना उस तेवर से, है बनना है,
जो अपने ही जैसा अपने आप में, हाँ अपने जैसा है, वो एक्टर क्या है नहीं है वो मैंने नहीं रहा, वो एनर्जी से आप अट्रैक्ट हो। जैसे उसके बाद इरफान मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल इरफान है, मतलब वो ऐसा कुछ को जाता होता है। Exactly. तो और मुझे सबसे पहली भी फिल्म जो मिली जो मेरे पेट्री में था तो सैडो इन द डार्कनेस, वो नसीर भाई के साथ, उनके साथ मिली। फिर मैं उनका छोटा भाई बना हूँ, फिर मुझे लगा कि अरे तो वही मैनिफेस्ट किया था, पता नहीं क्या बाद में सब पता चला मैनिफेस्ट होता है। तो नसीर भाई का भाई, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ये करते हैं, सीन था सब समझा रहे थे, शॉर्ट हुआ पहले टेक में ओके हुआ, फिर थोड़ा सा बातचीत हुई, फिर मानसून वेडिंग मिली। तो हम मुंबई जो आए पहली बार, तो नसीर भाई के घर पे 7 दिन हम रोज वर्कशॉप करते थे, तो मुझे तो कभी स्ट्रगल जैसा शौक है यहाँ पे स्ट्रगल का। अब देखा जाए तो मैंने, लोग बोलते हैं आपकी वजह से ही मिथिला मखाना को मिला है, बाकी तो सब बच्चे ही थे ना मेरे सामने में उस तरह से। तो लोग बोलते मैथिली फिल्म को आगे लेके जाना है, मैथिली भाषा को, मैं बोला कि किसके आगे लेके जाना है और क्यों आगे लेके जाना है और आगे क्या होता है आगे, ये सब डिजीज है ना भाई, कि किससे आगे देगा, हु डिसाइड कि तुम अब आगे हो गए हो, यहाँ कोई है नहीं। बिल्कुल। तो मैं बोला कि पंजाब में एक बंदा वो बनाता है म्यूजिक एल्बम, तो वो जब बंदा पंजाब आता है बाहर से कहीं से, तो पूरी पंजाब के लोग आके ढोल पा जाते हैं कि हमारा हमारे लौटा है, लौटा है बल्ले बल्ले। हम मैथिली फिल्म को मेरे वजह से, अगर मान लो मेरे वजह से क्या बोलूँगा, मैंने काम किया उसमें, वो वजह बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसको नेशनल अवार्ड मिला है तो मुझे फिर कभी कोई काम कोई बुलाया है कि आइए अगले प्रोजेक्ट आइए करते हैं, वैसे ही मिथिला मैथिल। हम जरा बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं तो रैपअप भी करना चाहता हूँ मैं, आपका व्यस्त शेड्यूल भी है, तो ये आपसे जानना चाहूंगा परिवार कितना मायने रखता है और आपके आसपास आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। मेरे साथ जो लोग रहते हैं जी, मेरे साथ में अभी अभी मैं रिलेशन के ऊपर उठ गया हूँ, क्योंकि हर रिलेशन जो बनता है ना वो फियर में बनता है, हर रिलेशन के पीछे एक साजिश होती है। तभी मैं लिखता हूँ कि यहाँ रिश्ता बहुत रिश्ता है, रिश्ता है। हाँ, तो अभी मेरा मेरे लिए पूरी दुनिया फैमिली, अभी मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ या भाई कैमरा पे है या कुछ ऐसा, मुझे लगा अपने घर में ही हूँ। क्या बात है। एक जहन में बात आती है, अपने लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम दूसरों को भी सपोर्ट करें। हाँ। गाँव घर की अगर बात करें तो वहां हमें अपने दोस्तों की भी फिक्र होती है, पड़ोसियों की भी फिक्र होती है। तो गांव घर से दिल्ली और दिल्ली के थ्रू मुंबई पहुंचे हुए लोग जो हैं, वो क्या एक दूसरे की मदद करते हैं या फिर वो वहां जाने की बात कोई मदद नहीं करते हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको स्कूल में बताया गया कि तुम फर्स्ट हो, ये सेकेंड है या थर्ड है, बाकी बच्चे किसी काम के नहीं होते। तो ये जो आगे बढ़ने वाले बच्चे होते हैं किसी का हेल्प नहीं करते हैं, ये सब बात करते हैं बिहार बिहारी को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, सारी चीजें खुद करनी पड़ती है। वाह, बात करके आपसे बहुत ही मजा है। मुझे बहुत मजा आया, बहुत दिन के बाद, मतलब मुझे बोलने तो यार मुझे मजा आ गया। मैं थैंकफुल हूँ कि तुम आए हो, पहली बार तो इतना सुंदर कोई व्यक्तित्व आया है या कोई मतलब बीइंग आया है, मजा आ गया। थैंक यू। और मैं वाकई में चाह रहा था कि आपसे बातें हो और थोड़ी हट के बातें हो, थोड़ी वैसी बात एकदम हट के बातें हो, अच्छा लगे बिल्कुल। सो थैंक यू कहना चाहूंगा आपको। जब भी खुद से सट के बातें होती है वही हटके बात है। क्या बात, क्या बात। सो थैंक यू सो मच और मैं चाहता हूँ कि आप यूं ही प्यार देते रहें। और नमस्कार सबको, आप लोग वो शो को पढ़िए, उस शो को सुनिए और YouTube पे कोई भी सवाल है, सवाल तो है सबके जीवन में, और मैं कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, आप पढ़िए समझिए देखिए, अच्छा ना लगे तो मत देखिए, इतना चीज देखते हैं एक बार वो भी सुनिए, आपको बहुत विजन मिलेगा। क्या बात। Thank you so much. Thank you.